गाइस ये देखो ये क्या है भाई साहब। ओ सॉरी 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 भाई सॉरी भाई, ये पूरा टूट रहा है भाई, देखो जरा ये। एक सेकेंड दिस ऑलवेज मेक्स मी फील बेटर ऑलवेज। तुम पूछोगे क्या मेरे पास कुछ पैसे हैं? पैसे होते भी है तो निकाल लिए जाते हैं। ये दुख अलग है भाई, शायद किसी ने निकाल लिए। आ रहे दुकान से मैगी लाने, खाना नहीं खाना, कुछ गरम खाएंगे बना के। हर टाइम खाना खाने का मूड में तो रहते नहीं है। खान वाले आइसक्रीम वाले भैया को लग रहा है कि हम आइसक्रीम खरीदने जा रहे हैं। ऑरेंज होगा दे दीजिएगा ना, कल दे देंगे। ठीक है, यहीं पे देखे है ना घर? हाँ तो आप आइएगा, हम दे देंगे कल। काबिल बनने का तो मेरा पता ही आदत है। घर से निकले मैगी खरीदने के लिए। मैगी क्यों खरीदना था? ताकि गर्म गर्म मैगी खाएंगे तभी ठीक होगा, सर्दी जैसा लग रहा है। सामने आइसक्रीम वाले भैया दिख गए तो वो रुके हुए थे, उनको लग रहा था हम कौन सा आइसक्रीम खरीदना है। हम सोचे भैया का मूड ठीक कर देते हैं, भैया रुके धूप में आइसक्रीम बेच रहे हैं यार, आइसक्रीम खरीद लिए। भूल गए थे कि सर्दी हुआ है, दिमाग है कि क्या। और फिर मेरे पास कैश नहीं था और वो ऑनलाइन लेते नहीं थे, तो वो बोले कल दे देना पैसा, और दुखी दे दिए उनको। हम लोहा लोहा को काटता है, क्या पता मैं सर्दी ठीक हो जाए, चांसेस तो नहीं है ठीक होने के, बहुत ज़्यादा सर्दी है। भीषण गर्मी में हमको भीषण सर्दी हो गया है। क्या हो गया, उफ, जो चीज़ हमको रिकॉर्ड करना होता है वो रिकॉर्ड नहीं करते। अभी एक भैया मिले, वो साड़ी बेच रहे थे गली गली, बड़ा स्माइल करते हुए मेरे से आके पूछे साड़ी लेना है मैडम? सारी दुकानें बंद है, देखो लो ये दुकान भी बंद है। निकले थे मैगी ढूंढने, आइसक्रीम खा के घर आ गए, मिली भी नहीं मैगी। अब क्या करें, ब्यूटी पार्लर वाली आंटी थोड़े रखती होंगी मैगी। किस्मत खराब है, टाइमिंग खराब है, ठीक है ना, इस टाइम पे दुकान बंद करके घर गए रहते हैं लोग, हर टाइम को दुकान थोड़ी खुला रहेगा। वो भैया बड़े प्यार से मेरे पास आया, मेरे से पूछा साड़ी लेंगे मैडम? थोड़ी देर पहले वो मेरे घर के पास थे, बालकनी से पूछा था उन्होंने साड़ी लेंगे, तो मैंने बोला मम्मी तो स्कूल गई हुई है तो चांसेस नहीं है, तो मेरे अकाउंट में 35 रुपये बचे हैं, क्या ही साड़ी लूँ, मैगी खरीदने के लिए कैलकुलेट करना पड़ रहा था, चलो 14 × 28। फिर वो इधर से ही जा रहे थे तो फिर मैंने उनको बोल दिया कि हाँ मैं भी इस गली में आपकी साड़ी बिक जाए। देखो वो रहे, वो भैया वो रहे, बैग लिए हुए कंधे पे। मैंने बड़े प्यार से पूछा था एकदम स्माइल करते हुए साड़ी लेंगे, मैंने कहा नहीं मम्मा तो स्कूल गई हुई है। दोबारा मैंने यही बोला कि आपने अभी तो पूछा था मेरे से, बालकनी में थी तो। इतने धूप में ही बड़ी स्माइल से साड़ी बेच रहे हैं वो, विश कि उनकी साड़ी बिक जाए। मेरे अकाउंट में कुछ पैसे होते तो हम पक्का देखते कि साड़ी उनके पास है तो लेते, एक तो लेते। लुक चेंज हो गया अभी तो घर वाले लुक में अच्छा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एक बहन एक भाई बन के रहो आप मेरे वीडियो में आएंगे आंटी? देखो आंटी मेरे तारीफ कर दी, बोल रही है एक बहन बन के रहो एक भाई बन के रहो एक भाई बन के रहो एक बहन बन के रहो, बहुत अच्छी लगे। हाँ मतलब तो सामान लाने वाला काम तो हम ही करते हैं, घर के सारे काम दीदी करती है। चलो अच्छी बात है, मतलब हम दामाद लाएंगे नहीं सॉरी दीदी दामाद लाएंगे, हम बहू लाएंगे। और जब ठीक है आंटी, बहुत अच्छा है बेटा, ठीक है प्रणाम। और पहले भी हम देखे हैं हाँ। उस समय में लेकिन नहीं कह पाए थे, लेकिन आज कह दिए तो उतना नहीं लग रही, उस समय तक ज्यादा अच्छा से पहन लेती ना तो और अच्छी लग रही थी। हाँ अभी तो थोड़ा बुखार हुआ है ना, थोड़ा सर्दी जैसा भी है, तो सोचे कुछ गरम गरम खाने का मन कर रहा था तो मैगी लाने गए थे कि सूप जैसा लगता है उसको पियेंगे थोड़ा ठीक लगेगा, तो दुकान ही बंद था तो अभी नहाए भी नहीं है ऐसे, इसलिए थोड़ा चेहरा डाउन डाउन लग रहा होगा। हाँ अच्छी है, चलो हम एक दिन उसको कहेंगे वो बहन बन के वो भाई बन के रहो, इसी तरह के हमेशा कपड़ा लो। रहो मोहल्ले के आंटीज पे अच्छा कंटेंट, भाई रोक करके प्रॉपर अप्रिशिएशन दी है कि वाह बेटा वाह पैंट में छा रही हो, शाना लग रही है तुम तो बेटा। अब ठीक है आंटी आपका अपना तरीका था बोलने का, बेटा बेटी कुछ नहीं है, बेटा हो तभी हाफ पैंट बनो, बेटी हो तभी हाफ पैंट बनो, सब सही है भाई। इंसान जो सोच के निकलता है और जो होता है बहुत अलग होता है। छोटा सा दुकान गए उसी में हमको इतना ज्ञान मिल गया है ना, मैगी तो मिला नहीं आंटी लेकिन कॉम्प्लीमेंट से खुश कर दी, और दोपहरिया में कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है हमको, और वो साड़ी बेचने वाले अंकल के चेहरे का स्माइल, आह क्या पॉजिटिविटी था भाई। टी शर्ट पे टूथपेस्ट गिरा हुआ है, मैगी तो है नहीं, क्या खाएं जिससे अच्छा फील हो, क्योंकि खा तो आइसक्रीम लिए आती है ना, वो घर के पास ही था आइसक्रीम वाला, लेकिन अब मेरे पास ना कैश भी नहीं है, कैश में मेरे पास पर्स में 1 रुपया बचा हुआ है, फिर पापा को बोलेंगे पापा 5 रुपये चाहिए तो किस लिए चाहिए भाई, आइसक्रीम के लिए
जागना पड़ेगा अभी। यार अभी मेरा मन कर रहा है ना कि ये पंखा चलता रहे और हम इस रूम में सो जाए। कल सोए हैं 1 बजे 2 बजे 1 बजे और उठे हैं 11 बजे सुबह, फिर भी अभी ऐसा लग रहा है ना कि हमको सो जाना चाहिए। मन बड़ा भारी भारी सा लग रहा है यार। इसमें मत दो, काफी हमसे हैंडल नहीं होगा माँ। कल सो रहे थे तो लग रहा था टूट जाएगा। कम पेन होगी तो टूट ही जाएगा, ज्यादा नहीं तो नहीं सकेगा। हम सोते हैं ना अपने हाथ में पैसे सूख जाते हैं, यही लगता है टूट जाएगा। तो सोचते शादी शुदा और सब कैसे हैंडल करती है। नहीं शादी शुदा इसको नहीं हैंडल करते, ये शादी शुदा को हैंडल करता है जी। अब ये पहनोगी तो अच्छा लगेगा। मिक्स खाते खाते हम लोग गर्मा गर्म मैगी बनाएंगे। मैगी मसाला भी अलग से लाए हैं क्योंकि बहुत सारा पानी डालेंगे तो मसाला हमको थोड़ा चाहिए होता है टेस्ट के लिए। मसाला मैजिक ले आए हैं एज यूजुअल। हम ये नहीं कह रहे कि हम नेचुरल ब्यूटी अच्छे नहीं दिखते, पर जब हम थोड़े बीमार हो तो मेरा फेस ऑलरेडी लो लो सा रहता है, तो हम चाहते हैं कि मेरा गाल थोड़ा सा लाल लाल दिखे, लाली जैसा, और थोड़े पिंकी पिंकी दिखे, तो हमको अच्छा फील होता है। प्याज नीचे है कि नहीं यार, यही तो दुख है, यही तो दुख है। क्यों बना है ये दूसरा फ्लोर, क्यों जाना पड़ता है दूसरे फ्लोर पे प्याज लाने के लिए। I can't do it. ओके हाय अनियंस, मैं आपको खाने जा रही हूँ। आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको मेरे पेटू पेटू में जाना पड़ेगा। फिलहाल बनाते हैं मैगी क्योंकि ये 2 मिनट की चीज है नहीं। 2 मिनट लिखा होता पर 2 मिनट की चीज है नहीं। मुझे ना दे कहीं तो एक दिल कहीं मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्म के नाते, दूर जाते हैं। टमाटर फिर से महंगा हो गया यार, मरा हुआ मिर्चा लाने का जरूरत ही क्या रहता है, सब मरा मरा मिर्चा है इसमें, कुछ यही है और कौन सा भाई। और ये ठीक है तो भी ये गुलाब इसमें है प्योर सूप, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा। आई होप कि दीदी को भी अच्छा लगे क्योंकि बहुत अच्छा बना है, और उसको बनाने के बाद जो साफ सफाई करना पड़ेगा, दैट पार्ट आई हेट। यस साफ सफाई कर ली जाए, सावन का महीना है, मम्मी ने बोला चूड़ी पहन लो, आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा मतलब क्या ही था, कुछ खास तो था नहीं, ऐसे बाहर गई, थोड़ा आंटी से बात कर लिया, मैगी खाने गई, आइसक्रीम खा लिया, मतलब बड़ा एंड रैंडम सा गजबज सा दिन था आज का, तो बस ऐसे ही चला गया। और कुछ कुछ प्लान करा है तो मतलब, अरे बोल दो यार रजुआ बोल दो, ठीक है बहुत कुछ एक्साइटिंग नहीं बोलना चाहते यार, करके दिखाना चाहते हैं। चलो कुछ कुछ आने वाला है चैनल पे, कुछ कुछ प्यारा प्यारा, अच्छा अच्छा, गंदा गंदा, पता नहीं अब नया है तो तुम लोगों को कैसा लगेगा, आई डोंट नो। हम बहुत नर्वस हैं बट ठीक है, लेके आएंगे, पता चल रहा है तुम लोग रिव्यू दोगे ही, और द बेस्ट पार्ट इज कि तुम लोग मेरे साथ हो। स्टार्ट करेंगे हम लोग, आज बुखार था नहीं तो आज से ही स्टार्ट करते होते। रियली आर यू दैट मोटिवेटेड? It's not about motivation, it's about मेरे अंदर में 2 वर्जन हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से लड़ रहा होता है। अच्छा भाई ऐसा बोलेगी तो इतनी कामज हो रही है आजकल इधर वाला, हाँ तो क्या समझ रखा है मेरे को, हाँ तेरी तरफ फट्टू थोड़ी हूँ, हाँ हर बार प्रोक्रेस्टिनेट करने को बोल देता है मेरे को। प्रोक्रेस्टिनेट तो तू करेगी है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं होता है तो प्रोक्रेस्टिनेट तू तो प्रोक्रेस्टिनेट करेगी। मेरा एक अंदर वाला साइड मेरे को ना पूरा मेरा फेलियर याद दिला रहा होता है, और एक अंदर वाला साइड जो एकदम ड्रीम देखने वाला जो साइड है ना वो बोल रहा होता है कि ये भाई सुनना फाड़ के रख दूँ ऐसा। तो वो दोनों ऐसे साइड बात, आजकल इन दोनों का बड़ा चिट चैट चलता रहता है, बट ये दोनों ही बाढ़ में जाए। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी नहीं चाहिए, काम करते रहना है, सीखते रहना है, करते रहना, दैट मैटर्स। तो तुम लोग एक काम करो, सब्सक्राइब कर लो, एक
यूट्यूबर है प्राजक्ता कोहली, वो हमेशा बोलती है कि प्लीज सब्सक्राइब बिकॉज इट्स फ्री, और फ्री की चीजें तो सबको पसंद आती है, तो आई विल कॉपी दैट फ्रॉम टुडे, प्लीज सब्सक्राइब बिकॉज इट्स फ्री, ठीक है, फ्री है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, फ्री है क्योंकि, ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव लव। जबरदस्त आउट्रो के साथ आप लोग को हम बाय करेंगे, केकड़ा वाला आउट्रो है, ढेर सारा केकड़ा नाच रहा होगा।